मैंने सर्विस कराई तो उसने भी अभी तक ड्राइव करा सब बोल दिया रिकॉर्ड ढूंढो सेकंड हैंड। वैले का मोड भी है सबसे बढ़िया फीचर ये। भाई क्या कर रहा है पागल है क्या? पड़ गई थी मेरे एक बार पीछे। अच्छा पीसर पड़ गई थी फिर ऑफ करके भगाया। देख 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 ना रुका जा रहा कर रहा गाड़ी साफ। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है शीश और स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। अभी जो आपने दीवानगी देखी ना ये भाई साहब जब भी अपन को देखने को मिलती है जब कोई बचपन का सपना किसी इंसान का पूरा हो जाए। अभी अपने साथ है हर्ष भाई जिन्होंने 21 साल की उम्र में जो है एक बचपन का सपना पूरा कराया अपना। यहाँ पर पीछे अपने खड़ी है वॉक्सवैगन की पोलो जिसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये गाड़ी जो है अपने आप में ही एक मास्टरपीस गाड़ी है भाई साहब। इस गाड़ी का जो पोटेंशियल है ना मतलब इंडिया के अंदर तो फिर भी अपन ने कोई इतना ज़्यादा हाईली मॉडिफाइड नहीं देखी जो बहुत तगड़ी आउटपुट जिसके निकल रही हो। जैसे फॉरेन वगैरह में तो 3 सेकंड के अंदर 100 पार करा देते हैं मतलब इतना गजब का उसको ट्यून कर देते हैं। जो एम परफॉर्मेंस BMW वगैरह की सीरीज आती है उससे भी लाजवाब पावर निकालने लग जाती है। लेकिन आज की जो गाड़ी है वो स्पेशल है और हर गाड़ी अपने ओनर के लिए स्पेशल होती है भाई। बुलाते हैं अपने हर्ष भाई को और जानते हैं उनसे कि आखिर जो सपना देखा था वो कैसे पूरा करा क्योंकि गाड़ी तो भाई डिसकंटिन्यू हो चुकी थी काफ़ी टाइम पहले। कहाँ से मिली क्या मिली कैसी कंडीशन देखी क्या देखा गाड़ी के अंदर कि हाँ भाई ये सही गाड़ी है अपन को ले लेनी चाहिए। तो बुलाते हैं हर्ष भाई आओ फटाफट से। तो भैया सबसे पहले तो ये बताओ हर्ष भाई कि कितना टाइम हो चुका है आपकी गाड़ी को? अभी 3-4 महीने हो चुके हैं। अच्छा 3-4 महीने पहले ही लिया आपने ये गाड़ी? हाँ। अच्छा तो ये खोज कब से जा रही थी इसकी भाई की गाड़ी लेनी है गाड़ी लेनी है? तो मतलब बचपन से एक था कि खुद की टीनेज में कार हो जिसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवाए अपन। हाँ हाँ। तो बस यही था कि जब हो गया अपने पास इतना कि खुद कर सकते तो अपन ने गाड़ी ले ली। फिर अच्छा पेरेंट्स के इंतजार नहीं करा नहीं, खुद नहीं, का इंतजार करा कि खुद। तो भाई साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर्ष का पूरा नाम हर्ष गुप्ता है तो मैं बढ़िया आदमी है तो उस हिसाब से चलने वाला आदमी है। मतलब बढ़ियों को भी देखा है मैंने खूब शॉप करते हुए पर भाई 21 साल की उम्र में चलो फैमिली बिजनेस हमने संभाल लिया सब कर लिया बढ़िया है। उसी के साथ ये बताओ कि क्या देखा आपने जब गाड़ी लेने जा रहे थे? गाड़ी यही था अगर सेकंड हैंड लेंगे तो पोलो ही लेंगे। अच्छा और पोलो फिर अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करवानी है तो ये तो सेकेंडरी गाड़ी होगी डेफिनेटली फिर तो घर की घर पे और अल्कज़ार वगैरह तो ये तो बढ़िया है फैमिली के लिए। बाकी अपने पास अलग से ही पोलो वगैरह है और मतलब कितने की पड़ गई आपको ये? अप्रोक्स 5-470 इंश्योरेंस वगैरह मिला के 5K अप्रोक्स 5 लाख रुपए की पड़ गई। और कब का मॉडल है कितने टाइम पुराना? 2016 का मॉडल 2016 मॉडल का भी 5 लाख उस टाइम में तो मेरे ख्याल से 9-10 लाख रुपए की आती होगी गाड़ी 10-11 लाख रुपये और रीसेल वैल्यू उसकी मतलब बहुत गजब है। तो यार पोलो बंद होने के बाद रीसेल मतलब मैंने तो सुना था वॉक्सवैगन वगैरह की रीसेल कम रहती है और इसकी तो गजब पोलो डिमांड में सेकंड हैंड बहुत। अच्छा तो मिलना ही बहुत मुश्किल है तो ये अच्छी कंडीशन में मिल गई ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो एक चीज बताओ जब आपने गाड़ी ली थी तो तब ये ऐसी कंडीशन में थी या फिर? नहीं नहीं बिल्कुल बेसिक थी सब पूरा टचअप करवाया हुआ है। अच्छा मतलब पूरा पेंट बम्पर वम्पर सब ऊपर से नीचे तक तो 5,70,000 रुपये में तो आपने ली 4,70,000 रुपये में तो आपने ली और उसके बाद में ऊपर कितना पैसा और लगा दिए? ऊपर 1.5 से 2 लग चुके हैं। तो मतलब आपने कुछ देखा होगा तभी आपने 1.5 से 2 लाख रुपए में बनिया आदमी भाई साहब 1 रुपए भी ऐसे खर्च करने वाला नहीं है। शौक बचपन से ही शौक था गाड़ी। हाँ 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 के पैसे नहीं देखे। अच्छा ये कितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी है ये? 48 चली हुई है 48,000 और आपने अभी जब ली थी जब कितनी चली हुई थी 4 महीने पहले ली थी अभी 53 कुछ हो चुकी है। अच्छा मतलब चला दी अच्छी गाड़ी तो सर्विस वगैरह कराई आपने इसकी बार अभी तक? अच्छा पॉप्स एंड बैंग अच्छे होगा तो वो भी मार के दिखाएंगे आग वाग छोड़ रही है यहाँ पर जस्ट ये लगा रखा है। तो ये कितना मतलब लगाना कितना क्या सही है कि मतलब हाँ एक्सपीरियंस कैसा क्या रहता है लगाने के बाद? मतलब लाउड बहुत ज्यादा हो गई होगी अटेंशन ग्रैब करने लग गई होगी सबका। मतलब एक बात है कि आपने 5 लाख रुपए में ऐसा हिसाब किताब कर लिया ओवरऑल 1.5 लाख रुपए मिला के कि मतलब गाड़ी को एक बार लोग मुड़ने के लिए मजबूर कर देती है कि हाँ भाई देखो एक बार मुझे मुड़ के जो क्योंकि यार भाई पोलो अपने आप में क्योंकि ऐसी गाड़ी है जब इसको हाई स्पीड में भी चलाओगे आप 140-150 तो नेक्स्ट लेवल का जो आपको कॉन्फिडेंस दे देती है भाई साहब जो राइड आपको ऑफर करती है वो एकदम प्लांटेड ड्राइव आपको मिल जाती है। हालांकि डुअल टोन में पहले भी थी अब आपने कराई है ब्लैक पीपीएफ का कितने रुपए लगे? 10,000 लगे खाली ब्लैक पीपीएफ कराने। अच्छा और क्या क्या ब्लैक हो रखा है? अलॉयज ब्लैक है थोड़े कर्टेन्स लगा रखे हैं कार्बन फाइबर मिरर के। ओह वाओ यार ये मुझे बहुत एक बढ़िया अटेंशन गेन करा इस चीज ने। तो ये क्या मतलब वो जो एक वो पानी टाइप का होता है स्टाइल के तो ये मतलब इंक्रीज करते हैं गाड़ी के अंदर जो भी खाली कॉस्मेटिक मॉडल
ओके, बाकी ये हेडलाइट्स वगैरह जो थी, हेडलाइट्स भी W BMW की है, ग्रिल भी आफ्टर मार्केट है। अच्छा, ग्रिल आफ्टर मार्केट है, तो ये हेडलाइट वगैरह, हेडलाइट्स कहाँ से मिलती है? ये ताइवान से इंपोर्टेड। अच्छा, ताइवान से इंपोर्टेड। प्राइस वगैरह कितने की पड़ जाती है? ₹25,000 की लाइट्स। उनके परफॉर्मेंस नॉर्मल जो लाइट आती है, हैलोजन थी वो एलईडी अपग्रेड करा तो 10,000 उसके अलग से। अच्छा, तो अच्छा ये हैलोजन के अंदर थी ये लाइट्स भी? ओके, तब तो आँख मतलब अंधा कर देती होगी। तो भाई बाहर से ओवरऑल अपन ने देख ली। अच्छा एक चीज बताओ, जो ग्राउंड क्लियरेंस जो है गाड़ी की, कई लोग पोलो को नीचे कराते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हाइट बढ़िया आ जाता है गाड़ी का। हाँ, तो आपको कुछ ऐसे विचार वगैरह है? मेरा अभी तक तो नहीं, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को चाहिए हमारे उधर सड़क बार बार टच नहीं हो, दिल को चुपता है। हाँ, मेरे हिसाब से तो अभी ऑलरेडी जो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी देखने में लग रही है, थोड़ा सा ऐसे लगता होगा कहीं ना कहीं तो, नहीं, अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं, क्योंकि आप दचके में भी ले रहे थे ना, तो आप साइड साइड में से ऐसे, हाँ वही सेडान वाला। तो भाई गाड़ी कर दी है स्टार्ट, और सबसे पहली बात तो ये बताओ हर्ष भाई, ये एग्जॉस्ट कितने का लगाया आपने? तो वो सुनाओ एक बार ये पॉप्स एंड बैंक्स। बहुत लाउड है कसम से, तो एक बार ऐसा हो जाता ना फट फट सी जाती है, लोग आगे के बोलेंगे भाई क्या कर रहा है पागल है क्या। अच्छा पीसर पड़ गई थी, फिर ऑफ करके भगाया, आप भगानी थी तो चालू करके भगा लेते, ऑफ करके भगाया, पकड़ भी नहीं आया, फिर घुसे इधर तो मतलब पकड़ नहीं पाई पीसीआर। तो नहीं अंदर आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और मतलब गाड़ी का इंटीरियर अभी भी ऐसा लगता नहीं है 2016 का इंटीरियर है, मतलब बहुत मतलब क्वालिटी अच्छी देती है VW, बहुत बढ़िया। ओके, तो एक चीज बताओ कि गाड़ी के अंदर एक दो तीन चीजें मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, एक तो ये अपना फ्रंट के अंदर डैश कैम लगा रखा है, एक आपने ये लगा रखा है, ये क्या चीज है? ये बहुत गाड़ियों में देख लिया यार, ये थ्रोटल कंट्रोलर है। तो बेसिकली जो अपन थ्रोटल करते हैं उसका हिसाब से ये काम करता है, मतलब ड्रैग मोड, स्पोर्ट मोड, ये सब मोड जैसे। वैले का मोड भी है, सबसे बढ़िया फीचर ये लगा। अच्छा। कि वैले को गाड़ी दो तो वैले में डाल दो, वो 20 ऊपर गाड़ी नहीं ले जा पाएगा। अच्छा, 20 ऊपर ले जा नहीं पाएगा। हाँ, और ढलान पे चढ़ानी हो तो भाई को नहीं, वो क्लच में ही चढ़ानी पड़ेगी। ये तो गजब चीज है यार भाई, लेकिन ये काम का है, ये काम का है। और कितने क्या पैसे लगते हैं इसके? ये 17,000 का पड़ा था मेरे को, 17,000 रुपए का। तो भाई पैसा तो अच्छा खासा फूक रहा है। और ये एनओएस से छोटा लगा रखा है, ये क्या चीज है? खाली एयर प्यूरिफायर है। अच्छा, एयर प्यूरिफायर है क्या? नाइस, परफ्यूम है, प्यूरिफायर। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पर एक चीज दिख रही है, 9.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज यहाँ पर गाड़ी निकाल रही है अभी। तो माइलेज वगैरह की क्या स्थिति वगैरह है ट्यून कराने से पहले और बाद में, तो डिफरेंस पता चला कुछ? नहीं सच कुछ डिफरेंस नहीं है, वो राइड के ऊपर है कि आप रश चलाओगे तो वो उस हिसाब से देगी, प्यार से चलाओगे तो बढ़िया 12-13 का एवरेज दे देती है, 12-13 का दिखा देती है आराम से। मतलब ये बढ़िया चीज है यार 12-13 का, पर पेट्रोल के अंदर 12-13 तो अब शौक के है, माइलेज नहीं देती। अलकाज़ार कितना देती है? अलकाज़ार तो बढ़िया देती है कि 17-18? अलकाज़ार बढ़िया, डीजल में ना, हाँ वो बढ़िया देती है। बाकी भाई रियर के अंदर तो कोई बैठता ही नहीं होगा इसके अंदर, जो सीट वगैरह का स्पेस मतलब, वैसे आपकी पर्सनल यूज की है पर हाँ इतना कोई प्रैक्टिकल नहीं है फैमिली के हिसाब से, गाड़ी खुद के शौकिंग के हिसाब से। अच्छा इसकी राइड वगैरह कैसी लगती है आपको, जैसे आप जब चलाते हो तो थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन है, सॉफ्ट है, कैसे क्या? सस्पेंशन वगैरह सब बहुत बढ़िया है, बेस्ट है मेरे लिए तो जैसे भी है। और नहीं तो, मतलब जैसे क्या होता है, जैसे सॉफ्ट सस्पेंशन होते हैं ना तो उसमें डच के कम लगते हैं, और अगर थोड़े से हार्ड सस्पेंशन होते हैं तो उस टाइम पे आपको जो राइड क्वालिटी मिलती है ना गाड़ी की, वो एकदम प्लांटेड मिलती है, मतलब गाड़ी झूलती नहीं है। नहीं झूलती तो बिल्कुल भी नहीं, एकदम चिपक के चलने वाली गाड़ी है। इसमें कट्स मारो कुछ भी करो, मतलब हाई स्पीड क्या मेंटेन, हाई स्पीड क्या लेकर गए अभी तक? अभी तक 170 तक गई है, उससे आगे अभी तक टाइम नहीं मिला इसको ढंग से काम में नहीं लिया। पहुंचा देंगे 200-220 और बढ़िया करके। तो मतलब 220 मतलब पोटेंशियल है गाड़ी के अंदर, पोटेंशियल पूरा है। ट्यूनिंग बैठी, इसमें डीजल भी तो आ जाती है, डीजल क्यों नहीं लिया आपने? एग्जॉस्ट ये था मेरे को मेन, एग्जॉस्ट कंट्रोल में। अच्छा अच्छा, उसमें माइलेज और पावर परफॉर्मेंस, उसमें माइलेज और पावर है। पर वो 10 साल वाला रूल आ गया तो अब आपके अगले से अगले साल कुछ काम की नहीं रहती वो। खैर इतना मैंने सोचा नहीं, मेरे को चाहिए पेट्रोल ही थी क्योंकि एग्जॉस्ट लगाना था स्टार्टिंग में। तो मतलब आपने इसको लंबा चलाने का सोचा है अब? हाँ ये लाइफ टाइम रखूंगा, मेरी पहली कमाई गाड़ी है तो इतनी भी चलेगी तो भी घर पे खड़ी रहेगी, ये वाली बात है भाई बिल्कुल। बाकी एक चीज बताओ,
इसके अंदर जैसे सर्विस कॉस्ट वगैरह क्या आ जाती है लगभग? अभी मैंने सर्विस कराई तो 5-6 हजार रुपए का बिल आया मेरा। और सच कुछ नहीं है। हाँ, और बाकी सुजुकी वगैरह से थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन 5-6 हजार रुपए तो सही है यार। मुझे वॉक्सवैगन की बहुत बुराई है, सुनिए आज तक कोई दिक्कत होना है 4-5 महीने में कि भाई ये चीज कुछ बिल्कुल भी चेक इंजन लाइट वगैरह भी कुछ नहीं। चेक इंजन आती है एग्जॉस्ट के चक्कर में, लेकिन फिर वो हट जाती है, इससे कोई इशू नहीं है। हट जाती है तो मतलब आप रिकमेंड करते हो कि हाँ भाई अगर 4-5 लाख रुपए किसी का बजट हो तो डेफिनेटली ऐसी गाड़ी उठा के बिल्कुल ये काम करा ले, और मतलब फेस वैल्यू मिल जाती है फिर उसके बाद में 20-25 लाख की कोई 30 लाख की गाड़ी की, हाँ भाई लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आराम से आराम से। ये बात है तो आप तो सेटिस्फाइड हो, फुल कोई कुछ नेगेटिव लगता है? फुल नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव लगता भी है तो फिर पॉजिटिव हो जाता है जब गाड़ी चलाते हैं। तो कह रही तो दोस्तों यारों का क्या रिएक्शन रहता है गाड़ी को लेकर की? सबकी यही रहती है कि बहुत बढ़िया गाड़ी है, सब सब मतलब जिसने भी अभी तक ड्राइव करा सब बोलते हैं रिकॉर्ड ढूंढो सेकंड हैंड करवानी है। ये वाली बात है, तो मतलब इसके पोटेंशियल बायर्स भी हैं कि हां भाई अगर आपको निकालनी हो या किसी को भी निकालनी हो एक्सपायर्ड तो बायर्स मिल जाते हैं गाड़ी आराम से मिल जाएंगे। बायर्स तो खूब है, खूब है ना, तो अलग ही दुनिया इन गाड़ियों की, बहुत बढ़िया। ये थे अपने हर्ष बाइक और इनका एक्सपीरियंस ये था पोलो लेने के बाद, 2016 मॉडल पोलो लेकर जो मॉडिफिकेशन इसके अंदर कराए, तो एक नेक्स्ट लेवल भाई साहब इन्होंने जो है अपना सपना पूरा करके और एक गाड़ी बना ली मतलब खुद की, जो हाँ दुनिया में कहीं लेकर निकलते हैं ना तो लोग बस मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो ये वाली बात है, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया हो तो कर लीजिएगा इस वीडियो को लाइक, कर दीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो बिल्कुल मुफ्त है। मिलते हैं आपसे किसी ऐसे वीडियो में, जब तक हमें ध्यान रखिए, चलिए धन्यवाद।